जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इंटरनेशनल प्राइम टाइम रज़ाग्राफी की, जिसके अंदर आसान और सिंपल भाषा में हम पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें देते हैं। अच्छा, मैं इतनी खबरें देता हूँ आप इतनी देख भी नहीं पाते। कल 8 रिपोर्ट डाल दी, उससे पहले 6 डाली, 5 डाली, कभी कभी मैं ज़्यादा डालता हूँ तो आप लगता है घबरा जाते हैं कि रज़ा भाई हर 2 घंटे में रिपोर्ट, ओह माय गॉड, आप आदमी हो जिन हो? हाँ, मैं जिन हूँ और मैं ऐसे ही आपके सामने पेश करता रहूँगा खबरें। लेकिन अब हमने सोच लिया है, हमारी टीम ने, मेरी टीम बेचारी परेशान है, रज़ा भाई हम इतनी सारी रिपोर्ट करते हैं, जब हम ज़्यादा डालते हैं तो लोग कम देखते हैं, जब हम कम डालते हैं तो लोग ज़्यादा देखते हैं। मेरे इन कलीग्स को झूठा साबित कीजिए और मेरी हर रिपोर्ट को देखा कीजिए, रिपोर्ट को शेयर किया कीजिए। भारत ने रूस से दूरी बनाना शुरू कर दिया है, आसान और सिंपल भाषा में यही सबसे बड़ी खबर है, इस प्राइम टाइम की सबसे बड़ी खबर। इतना ही नहीं, जापान के खिलाफ रशिया और कई सारे बड़े देश, खासकर चीन भी इस ग्रुप के साथ मिलकर जापान के खिलाफ, जापान के समुद्र के इलाके में, बिल्कुल समुद्र से सटे हुए इलाके में बड़ी ड्रिल करने वाले थे, जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन न जाने ऐसा क्या हुआ, 2 पॉइंट हैं। एक तो ये कि जापान अमेरिका का दोस्त है बहुत बेहतरीन, और भारत का भी दोस्त है बहुत बेहतरीन। भारत ने अपने नाम को वापस दे दिया है, भारत ने मना कर दिया है कि भाई हम इस ग्रुप में नहीं है, भाई हम नहीं कर रहे ड्रिल व्रिल, भैया हमारा जापान से मामला ख़राब हो जाएगा। यानी रूस ये ड्रिल करवा रहा था वास्को 2022। जी हाँ, ये ख़तरनाक मिलिट्री अलायंस बना हुआ था और कुछ बड़ा करने की इनकी तमन्ना थी। भारत ने झट से अपने आप को किनारे रख दिया, भाई साहब हम नहीं हैं। अब इससे रशिया को तगड़ा झटका लगा, क्योंकि रूस के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर भारत इसमें शामिल होता तो जापान के लिए एक बड़ी धमकी हो जाती, और जापान भारत का करीबी मित्र है। अब ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं कि जापान अमेरिका का दोस्त है। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने पहले ही भारत को कई बार घेर लिया है कि भाई आप रूस के साथ थोड़ा सा अपनी रिश्तेदारी कम करो, तो अब भारत धीरे 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 रूस का साथ छोड़ रहा है। लगभग अब भारत ने रूस का साथ छोड़ ही दिया है, अब ऐसा एक्सपर्ट ने कहना शुरू कर दिया है। अच्छा, अमेरिका की बेगैरती देख लीजिए, भारत अमेरिका का काफ़ी पुराना दोस्त रहा है, लेकिन इस जलील अमेरिका ने मजबूत किसे किया है, ताइवान को। आपको बता दूं, ताइवान को ऐसे हथियार देने वाला है कि अब तक भारत के पास वो हथियार नहीं है। यानी भारत के करीब एक और देश को भारत से ज़्यादा मजबूत बनाने वाला अमेरिका है, जबकि सालों और सदियों से अमेरिका से भारत के रिश्ते सही रहे, लेकिन इस बेगैरत ने कभी हमारे भारत को बड़े और घातक हथियार नहीं दिए। लेकिन भारत के बहुत सारे ऐसे सुअरों का झुंड है कि अमेरिका को अपना बाप मानते हैं। असल में कहानी यह है कि अंग्रेज़ तो चले गए, अपनी नाजायज़ औलाद छोड़ गए, तो आज वही नाजायज़ औलाद जगह जगह तालियां बजा के मुसलमानों को गालियां बकते हुए नज़र आते हैं, कभी किसी दलित को पीटते हुए नज़र आते हैं, कभी अपने बाप दादाओं की गद्दारी पर ये लिखते हैं कि वो तो बुलबुल पे सवार होकर जेल से उड़ जाया करते थे। आप सुन लीजिए मेन बात, मजाक की बात एक तरफ, ताइवान को हार्पून और साइड वीडर नाम के बड़े हथियार देने वाला है अमरीका। एक मटेरियल है, यानी एक मिसाइल है जो शिप को उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो 60 मिसाइलें देगा। दूसरा एयर टू एयर फायर करने वाली मिसाइल हैं, वो 100 देगा। दोस्तों इससे ये जान लीजिए कि भारत के पास इनमें से कोई एक मिसाइल भी नहीं है, और यही बेगैरत अमेरिका अब ताइवान को चीन से चिड़ में देने वाला है। तो ताइवान की ताकत तो अमेरिका ने बढ़ा दी, इसी बीच में चीन की तरफ से चाइना का एक ड्रोन अंदर घुसता है ताइवान के। जैसे ही ताइवान के अंदर वो ड्रोन आता है तो पहली बार ताइवान ने उस ड्रोन पर, चीन के ड्रोन पर फायर किया, जिसके बाद चाइना का वो ड्रोन उल्टे पांव फरार हो गया, भाग गया। इतना ही नहीं, इसके बाद ताइवान के प्रेसिडेंट ने धमकी दे दी है खुली खुली कि अब अगर कोई ताइवान के अंदर चीन का ड्रोन आता है तो अब हम मारकर गिरा देंगे। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ पाकिस्तान का इतना बुरा हाल है कि आप सोच भी नहीं सकते, एक तिहाई पाकिस्तान डूब चुका है।
पाकिस्तान के लिए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी दुख जताया है, जिससे मजे की बात है कि किसी ने भी गोबरखोर और पेशाब पीने वाली भीड़ में मोदी जी को पाकिस्तानी नहीं कहा। यहाँ पर अगर पाकिस्तानी किसी बंदे की पोस्ट को रजा या आप मुस्लिम नाम वाला लाइक कर दे, तो उस लाइक को शेयर करके, हमारे लाइक को शेयर करके हमें पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है। लेकिन अब वो सारे लवण भास्कर चुप रहे जब मोदी जी का दिल पाकिस्तानियों के लिए फुदका और दुखा। अच्छी बात है, इंसानियत इंसान में होनी चाहिए। हालांकि हमें मालूम है कि वो एक्टिंग है, लेकिन फिर भी गोबर खाने वालों के मुंह पर ही गोबर पड़ गया। अब आप बता दूं कि पाकिस्तान के हालात इतिहास में कभी इतने ख़राब नहीं हुए, जिसे मैं अल्लाह का अजाब मानूंगा। आप इसको मानिए या मत मानिए, क्योंकि पाकिस्तान में जब से यह नई सरकार आई है, चारों तरफ बवाल है। झपट्टे वाली सरकार आई है, जो बिल्ली के पंजों की तरह झपट्टा मार के इमरान खान के नीचे से कुर्सी को घसीट चुके हैं। उस बेगैरत नए प्रधानमंत्री पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने अपने थूथड़े से ही बोल दिया है कि पाकिस्तान का कभी इतना बुरा हाल नहीं हुआ जितना आज हुआ है। कुर्सी छोड़ दे मनहूस, क्या पता बच जाए पाकिस्तान। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं कि 1100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। UN के चीफ ने खुद कह दिया है कि मैं खुद 9 सितंबर को मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं। पाकिस्तान को IMF लोन नहीं दे रहा था, इसी IMF से पैसा मांगना चाह रहा था पाकिस्तान, लेकिन बाढ़ ऐसी आई कि उसी IMF ने तुरंत पाकिस्तान के लिए आनंद फानंद लोन सेंक्शन कर दिया है। वहीं पाकिस्तान को 4 जहाज भरकर खाना पीना दवाइयां अनाज मेडिकल किट ये सब तुर्की ने भेज दी है। और पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और बेस्ट फ्रेंड चाइना, उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद अपने मुंह से ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान को मदद हम लगातार भेजते रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे भारत ने क्या करा, भारत क्यों खामोश है। ऐसा नहीं है, सरकार कैसी भी हो, हमारे मोदी जी कैसे भी हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐलान कर दिया है। मोदी सरकार आपस में ही ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को मदद जल्द से जल्द भेजी जाए। जी हाँ दोस्तों, और उम्मीद है कि मोदी सरकार मदद भेजेगी। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पाकिस्तान को मदद भेजने के लिए मोदी सरकार कंफ्यूजन में है। मोदी सरकार भेजना चाहती है मदद, लेकिन मोदी सरकार को पता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और दूसरे लोग, दूसरी पार्टी इनको ही घेर देंगे। अपने फैलाए हुए नफरत के कीचड़ में खुद ही मोदी सरकार फंस रही है, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन मुझे यकीन है कि मदद पाकिस्तान मोदी जी ज़रूर भेजेंगे, हम जानते हैं मोदी जी को। अरे जब बिरयानी खाने ऐसे ही टहलते टहलते चले जाते हैं पाकिस्तान, तो ऐसे में पाकिस्तान पूरी बर्बादी की तरफ जा रहा है, तो मोदी जी को क्या समझो आप। अरे यार ऐसे भी नहीं है, मोदी जी मदद भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे, बस पाकिस्तान से ना पूछ लें कि तुम्हें क्या चाहिए, पता चला कश्मीर मांग लिया तो। बड़ी खबर और सुन लीजिए दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि तालिबान के डेलीगेशन रशिया पहुंचे थे। बताइए तालिबान की भाई हिम्मत देख रहे हो, दबदबा देख रहे हो, डील हो गई है, बड़ी बात हो गई है। तालिबान यानी अफगानिस्तान की नई सरकार अब रूस से गैसोलीन लेने की चाहत रखती है और बहुत जल्द यह डील हो जाएगी। खतरनाक खबर अब इराक की भी सुन लीजिए, इराक में दंगे चल रहे हैं। आपको कल सबसे पहले मैंने अपडेट दिया था, अब नया अपडेट देख लीजिए। सीधी बात, उस दंगे में अब तक जो अभी भी दंगे चल रहे हैं 30 लोग मारे जा चुके हैं, 100 से ज्यादा घायल हैं। ग्रीन जोन, एक ऐसा जोन जहां पर विदेशी एम्बेसीज होती हैं, विदेशी लोग होते हैं ऑफिशियल, वहां पर रॉकेट तक दागे गए हैं। हालात बेहद गंभीर थे, अब थोड़े से कंट्रोल हुए हैं, कई कई जगह झड़पें चल रही हैं, लेकिन अब जैसे शिद्दत से 3 दिन से दंगे हो रहे थे, अब वो लेवल नहीं है, लेकिन हालात बहुत तनाव वाले हैं। खुद पड़ोसी ईरान ने कह दिया है अपने ईरानियों से कि आप इराक का सफ़र ना करें। दोस्तों
दंगा इतना इराक में खतरनाक लेवल का पहुंच गया था कि आप सोच भी नहीं सकते। कल की रिपोर्ट में मैं पहले ही आपको दिखा ही चुका था। लेकिन मेन बात यह है कि ये मुख्तदा अलसदर की वजह से इन्हीं के सपोर्टर्स ने दंगा मचाया। मुख्तदा अलसदर को यह एहसास हो गया कि लोग उनसे कुछ ज़्यादा ही जज्बाती तौर से जुड़ गए हैं और मामला हाथ से निकल गया है, देश की स्थिति ख़राब हो रही है। तुरंत मुख्तदा अलसद वीडियो के ज़रिए इराक के हर चैनल पर सामने आए और उन्होंने अपने ही लोगों को जो दंगा मचा रहे थे ऐलान करते हुए वार्निंग दी कि 60 मिनट का टाइम है आप सभी के पास, जितनी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं उतनी मैं भी आपसे करता हूं, लेकिन देश का ऐसा हाल करने की मेरी कोई भी सहमति नहीं है। 60 मिनट का आपके पास वक्त है, अगर 60 मिनट में आपने पार्लियामेंट को, ग्रीन जोन को खाली नहीं किया तो अगले 61वें मिनट में मैं आप लोगों का साथ छोड़ दूंगा। जब तक आप पूरे देश में शांति नहीं लाओगे मैं सामने नहीं आऊंगा और भूख हड़ताल पे रहूंगा। इसके बाद पूरे इराक में तहलका मच गया। तुरंत उनके सपोर्टर्स ने जगह को खाली करना शुरू कर दिया। खाली करते हुए का वीडियो आपके सामने। दोस्तों इंटरनेशनल रिपोर्ट में अभी तक के लिए, आज तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी चैनल पर आपको दुनिया के कोने कोने की खबर, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ मिलती रहे, ताकि आपको गोदी मीडिया देखना ना पड़े और छोटी सी खबर के लिए 2 घंटे टीवी के आगे बैठकर फालतू की एड ना देखनी पड़े। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।